हम सब नहीं तो हमारे बाप दादा ही बाहर से आए हिंदुस्तान में, शक आए, कुषाण आए, कनिष्क आए, खुद ये सब लोग, और यहाँ के जो मूल लोग थे वो पहले द्रविड़ लोग, उनको आर्यों ने नीचे खदेड़ दिया। उसके बाद जो कुछ रहे थे उनसे लड़ाइयाँ होकर इन सब लोगों को पहाड़ों में, पहाड़ियों में ढकेल दिया गया। आज वे आदिवासी है, जंगलों में रहते हैं। तो भारत का सबसे व्यवहार इस प्रकार का रहा। मुस्लिम आए उसके बारे में भी कहा गया है, और ऐसे आदमी ने कहा है कि असल में 2% भी मुसलमान बाहर से हिंदुस्तान में नहीं आए। जो भी आए उन्होंने कि किसी को एक कुएं का पानी पिया, वो हिंदू धर्म से अलग हो गए, अलग किया उनको, उन्हें हिंदू धर्म में नहीं दिया। तो यहाँ बाहर से आए हुए लोग हिंदू है मुस्लिम है, इसका विचार आज करना, यानी अपनी जो भी कुछ अपना संविधान है उसके खिलाफ वर्तमान, वी आर सेक्युलर एंड सोशलिस्ट, तो उस संविधान के अनुसार वे हिंदू हो या मुस्लिम हो, जो पहले आकर यहाँ बस चुके हैं उनको स्वीकृत करना चाहिए। जो कानून अमेरिका के सरकार को भी मोदी साहब विनती करते हैं कि वहाँ के लोगों को वहाँ रहने, भारत के वहाँ रहने में कोई मुश्किलात न हो, इसकी भी दलाली करते हैं ना हम लोग। वहाँ आई थिंक 19 लाख पीपल आर देयर फ्रॉम इंडिया, तो उनमें से कुछ अभी 2-4 सालों में गए हैं। ट्रंप आने के बाद उनको कानून अलग लगा देता। तो हमें इस समस्या की तरफ मानवता की दृष्टि से देखना चाहिए। कानून एक अलग होता है और मानवता एक अलग बात होती है।